अय्यूब की पुस्तक अध्याय 40। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 40। फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा कि क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे, जो ईश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूं, एक बार तो मैं कह चुका हूं परंतु और कुछ न कहूंगा। हां दो बार भी मैं कह चुका हूं परंतु अब कुछ और आगे न बढ़ूंगा। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसके समान शब्द से गरज सकता है? अब अपने को महिमा और प्रताप से सवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले, अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसे नीचा कर, हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों को जहां खड़े हो वहां से गिरा दे, उनको एक संग मिट्टी में छिपा दे और उस गुप्त स्थान में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे विषय में मान लूंगा कि तेरा ही दहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वह बैल की नाई घास खाता है, देख उसकी कटी में बल है और उसके पेट के पुट्ठों में उसकी सामर्थ्य रहती है, वह अपनी पूंछ को देवदार की नाई हिलाता है, उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई है, उसकी हड्डियां मानो पीतल की नलियां है, उसकी पसुलियां मानो लोहे के बेड़े हैं, वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है जो उसका सृजनहार है, उसी ने उसको तलवार दी है, निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहां और सब वन पशु कलोल करते हैं, वह छतनार वृक्षों के तले नरकंटों की आड़ में और कीच पर लेटा करता है, छतनार वृक्ष उस पर छाया करते हैं, वह नाले के बेते के वृक्ष से घिरा रहता है, चाहे नदी की बाढ़ भी हो तो भी वह न घबराएगा, चाहे यर्दन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए परंतु वह निर्भय रहेगा, जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा वा फंदे लगाकर उसको नाथ करेगा?